नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है Realme 11 Pro Plus 5G। दोस्तों अगर आपने इस फोन को परचेस किया है या अगर आप इसे परचेस करने वाले हो तो जैसे ही आप अपने फोन का सेटअप कंप्लीट करोगे वैसे ही आपको चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स। इन सभी 20 सेटिंग्स को चेंज करना काफी जरूरी है आपके फोन के सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रोडक्टिविटी के लिए। तो अगर आप अपने फोन को बेहतर तरीके से यूज करना चाहते हो तो आपको चेंज करनी है ये सभी 20 सेटिंग्स। तो आइए दोस्तों चेंज करते हैं इन सभी 20 सेटिंग्स को वन बाय वन। इस फोन में अगर आपको पावर मेनू को एक्सेस करना हुआ तो आपको प्रेस करनी पड़ती है दो बटन, पावर की और वॉल्यूम अप, दोनों को साथ में प्रेस कीजिए और आपको मिलेगा ये पावर मेनू जहां से आप अपने फोन को रिस्टार्ट या स्विच ऑफ कर पाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो केवल एक बटन के जरिए ही आप पावर मेनू को एक्सेस कर सको तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो, आपको बस पावर की पे लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, पावर बटन में प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन, इस पर टैप कीजिए और यहाँ पे होगा पावर मेनू, आपको इस पे करना है सिलेक्शन। इसके बाद अगर मुझे अपने फोन को स्विच ऑफ करना हुआ तो मुझे बस पावर की पे लॉन्ग प्रेस करना है, आपको मिलेगा पावर मेनू। अब आपको दो बटन को साथ में प्रेस नहीं करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपका फोन लॉक है और ऐसे में अगर कोई भी बंदा आकर आपके फोन को पावर ऑफ करना चाहेगा तो काफी इजिली पावर ऑफ कर सकता है बिना पासवर्ड को एंटर किए। आप देख सकते हो ये काफी इजीली स्विच ऑफ हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हो पासवर्ड के बिना आपके फोन को कोई भी स्विच ऑफ ना कर पाए तो आप स्विच ऑफ करने के लिए पासवर्ड को इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, सिस्टम सिक्योरिटी में, रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ, इसे ओपन करके आपको इसे ऑन करना है, पासवर्ड आपका एंटर कीजिए। अब मान लेते हैं आपका फोन लॉक है और ऐसे में अगर आपको अपने फोन को पावर ऑफ करना है तो आपको एंटर करना पड़ेगा आपका पासवर्ड या आपको स्कैन करना पड़ेगा आपका फिंगरप्रिंट या फेस, तभी आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर पाओगे। इसके अलावा मान लेते हैं आपका फोन लॉक है और ऐसे में अगर कोई भी बंदा आकर आपके फोन में कंट्रोल सेंटर को एक्सेस करना चाहेगा तो काफी इजीली कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा उस टॉगल को भी वो चाहे तो ऑन ऑफ कर सकता है, सेटिंग्स को भी चेंज कर सकता है। तो अगर आप चाहते हो आपका फोन जब लॉक हो तब कोई भी आपके फोन में कंट्रोल सेंटर को एक्सेस ना कर सके तो आप कंट्रोल सेंटर को लॉक स्क्रीन पे ब्लॉक कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, लॉक स्क्रीन पे टैप कीजिए और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है स्वाइप डाउन, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर आपका फोन लॉक होता है तो ऐसे में अगर कोई भी चाहेगा तो आपके फोन में कंट्रोल सेंटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हो जब आपका फोन अनलॉक होगा तब भी आप अपने फोन में कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर पाओगे इस तरीके से। क्या आपको पता है अगर आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ होता है, अगर आपका फोन लॉक होता है फिर भी आप अपने फोन में यूट्यूब को प्ले कर पाओगे बैकग्राउंड में, तो उसके लिए आपको इनेबल करना है स्मार्ट साइड बार। तो जाइए सेटिंग्स में, स्पेशल फीचर्स में, स्मार्ट साइड बार, आपको इसे ऑन करना है और इंश्योर करना है ये जो ऑप्शन है स्मार्ट फंक्शंस इसे ऑन रखिएगा। इसके बाद आपको यूट्यूब को ओपन करना है। तो यूट्यूब को अगर आप ओपन करोगे तो आपको ऊपर में यहाँ पे राइट साइड में मिलेगा ब्लू कलर का बार, अगर आप इस पे स्वाइप करोगे तो आपको मिलेगा ये साइड बार। तो आपको क्या करना है, मान लेते हैं आपको इस सॉन्ग को प्ले करना है बैकग्राउंड में तो इसे प्ले कीजिए, इसके बाद साइड बार को ओपन कीजिए और यहाँ पे होगा ऊपर में बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग, आपको इस पे टैप करना है। फिर आपको करना है टर्न ऑन। आप देखोगे YouTube मैंने क्लोज कर दिया है फिर भी मेरे फोन में YouTube ऑडियो प्ले हो रहा है। इसके अलावा अगर आप अपने फोन को लॉक करोगे फिर भी आपके फोन में YouTube प्ले होता रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने फोन में YouTube को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो डिस्प्ले ऑफ होने के बावजूद भी। अगर आपको इसे क्लोज करना है तो यहाँ पे होगा एग्जिट का ऑप्शन, टैप कीजिए। क्या आपको पता है आप बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए आपके फोन में व्हाट्सएप के डिलीट किए मैसेज को बड़ी आसानी से रीड कर सकते हो? तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, मोर सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री में, आपको इसे ऑन करना है टॉगल को। इसके बाद मान लेते हैं आपके व्हाट्सएप में किसी कॉन्टैक्ट ने मैसेज को किया डिलीट, जैसे कि इस कॉन्टैक्ट ने दो मैसेज डिलीट किए। अगर मुझे जानना हुआ कि मैसेज कौन से थे तो आपको जाना है सेम सेटिंग्स में, ये है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। तो आपको नीचे आना है, यहाँ पे होगा लास्ट 24 आवर का ये ऑप्शन, व्हाट्सएप में आकर आपको एरो पे टैप करना है और यहाँ पे आप देख पाओगे जो भी मैसेज डिलीट किए गए थे आप उन्हें देख पाओगे, कॉन्टैक्ट और टाइम भी यहाँ पे शो किया जाएगा उस मैसेज के साथ साथ। आपके फोन में कितनी रैम अवेलेबल है और कितनी रैम यूज हो रही है तो आप काफी इजिली जान सकते हो, उसके लिए आपको इनेबल करना पड़ेगा क्विक रैम इन्फो जो आपको शो करेगा रिसेंट ऐप में क्लोज ऑल के नीचे। तो उसके लिए आपको क्लोज ऑल पे लॉन्ग टैप करना है और यहाँ पे होगा सबसे पहला ऑप्शन डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद अगर आप जाओगे रिसेंट ऐप में तो आपको यहाँ पे क्लोज ऑल के नीचे शो करेगा रैम इन्फॉर्मेशन, कितनी रैम अवेलेबल है और आपने कितनी मेमोरी एज अ वर्चुअल रैम को इनेबल किया है। आपने गौर किया होगा
जब भी आप अपने फोन में किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हो तो आपको मिलता है ऐप स्कैनिंग का पॉपअप, मतलब कि जैसे ही आपके फोन में ये ऐप इंस्टॉल होगा तो आपके फोन में होगा ऐप स्कैनिंग और ये जो पेज है ओपन होगा। अगर आप चाहते हो आपके फोन में इस तरीके से ऐप स्कैनिंग ना हो तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो अब आपको यहाँ पे शो करेगा ये ऐप स्कैनिंग का पेज। तो इसे डिसेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एप्स में, ऐप मैनेजमेंट में, थ्री डॉट पे टैप करके आपको करना है शो सिस्टम को इनेबल। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है सिक्योरिटी और आपको यहाँ पे शो करेगा लास्ट में सिक्योरिटी एनालिसिस, इसे ओपन कीजिए और इसे कीजिए डिसेबल, डिसेबल ऐप कीजिए, पासवर्ड को एंटर कीजिए। इसके बाद अगर मैं किसी भी ऐप को करूंगा इंस्टॉल तो आप देखोगे अब मुझे कोई भी ऐप स्कैनिंग का पेज शो नहीं करेगा, ऐप इंस्टॉल हो चुका है लेकिन मुझे कोई भी ऐप स्कैनिंग शो नहीं कर रहा है। अगर आपने अपने फोन में फेस अनलॉक को इनेबल किया होगा तो आपने गौर किया होगा जब भी आप अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करते हो तो आपका फोन अनलॉक तो हो जाता है, लॉक खुल जाता है, लेकिन आपको एंड में करना पड़ता है स्वाइप अप, तभी आप अपने फोन को यूज कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हो फेस अनलॉक करने के बाद आपको इस तरीके से स्वाइप अप ना करना पड़े तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, फेस पे टैप कीजिए और आपको ये ऑप्शन जो है इसे ऑन करना है, एंटर होम इसे ऑन कीजिए। इसके बाद अगर मैं अपने फोन को लॉक करूंगा और फेस से स्कैन करके अनलॉक करूंगा तो मुझे अब स्वाइप अप नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हो बिना स्वाइप अप के मेरा फोन अनलॉक हो रहा है। कई सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते। अगर आप बात करोगे प्ले स्टोर की तो आप देखोगे प्ले स्टोर में आपको शो करेंगे मल्टी विंडो के लिए दो ऑप्शंस, मतलब कि आप इसे आपको ओपन कर पाओगे स्प्लिट व्यू में और फ्लोटिंग विंडो में। लेकिन अगर आप बात करोगे स्नैपचैट की या इंस्टाग्राम की तो यहाँ पे मल्टी विंडो के लिए कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हो जो एप्स मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते वो भी एप्स मल्टी विंडो सपोर्ट करें तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट डिवाइस में, वर्जन पे आपको टैप करना है और यहाँ पे होगा बिल्ड नंबर, आपको इस पे लगातार 7 टाइम्स टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर बैक जाइए सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा एडिशनल सेटिंग्स, इसे ओपन करके आपको यहाँ पे मिलेगा एक नया ऑप्शन जो है डेवलपर ऑप्शंस का, इसे ओपन कीजिए। नीचे आइए और आपको यहाँ पे मिलेंगे तीन ऑप्शंस जिसे आपको इनेबल करना है, फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल इसे ऑन कीजिए, इसके अलावा इनेबल नॉन रिसाइजेबल इन मल्टी विंडो इसे भी ऑन कीजिए और इन में आपको करना है इनेबल फ्रीफॉर्म विंडोज, इसे ऑन करके आपको अपने फोन को करना है रिबूट। नाउ आपका फोन होगा रिस्टार्ट, फोन रिस्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप देखोगे स्नैपचैट इंस्टाग्राम को तो अब आपको मिलेगा यहाँ पे स्प्लिट व्यू का ऑप्शन, मतलब कि अब आप इन ऐप्स को भी मल्टी विंडो में ओपन कर सकते हो, ये रहा नया ऑप्शन। आपने गौर किया होगा जब भी आप अपने फोन में ऐप ड्रॉअर को ओपन करते हो तो इस तरीके से ये कीबोर्ड भी ओपन हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो इस तरीके से ये कीबोर्ड ओपन ना हो तो आप इसे डिसेबल कर सकते हो, आपको मैनेज पे टैप करना है, ऐप ड्रॉअर सेटिंग्स पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा डिस्प्ले कीबोर्ड, इसे ऑफ कीजिए। इसके बाद अगर मैं ऐप ड्रॉअर को ओपन करूंगा तो अब कीबोर्ड ओपन नहीं होगा, आप देख सकते हो अब आपको यहाँ पे शो करेंगे केवल एप्स। और ऐप ड्रॉअर में अगर आप गौर करोगे तो आपको यहाँ पे शो करते हैं दो एप्स जो किसी भी काम के नहीं है, हॉट एप्स और हॉट गेम्स। अगर आपको इन्हें यहाँ से रिमूव करना है तो आपको उस पे किसी भी एक पे लॉन्ग टैप करना है, सेटिंग्स पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स, इस टॉगल को आपको ऑफ करना है। इसके बाद हॉट एप्स और हॉट गेम्स आपको अब ऐप ड्रॉअर में शो नहीं करेंगे, अब यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अगर आप किसी भी वेबसाइट या ऐप में लॉगिन करोगे तो आपको एंटर करना पड़ता है पासवर्ड, और जब भी आप पासवर्ड को एंटर करते हो तो आपको कुछ सेकंड के लिए जो आपके लेटर्स है शो करते हैं, इस तरीके से आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपके लेटर्स शो कर रहे हैं। तो अगर बगल में कोई बैठा होगा तो आसानी से जान पाएगा कि आपका पासवर्ड क्या है। तो अगर आप चाहते हो इस तरीके से आपके लेटर्स यहाँ पे शो ना करे तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, प्राइवेसी में, ऊपर में प्राइवेसी पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा शो पासवर्ड, आपको इसे ऑफ करना है। तो अगर आप देखोगे अब अगर मैं कोई भी पासवर्ड एंटर करूंगा तो अब जो लेटर्स होंगे इस तरीके से शो नहीं करेंगे, अब यहाँ पे केवल शो करेंगे डॉट्स, तो जो लेटर्स है अब कोई भी देख नहीं पाएगा। होम पेज पे अगर आप स्लाइड डाउन करोगे तो आपको मिलेगा ये ग्लोबल सर्च का ऑप्शन, हालांकि मुझे इस ऑप्शन का यूज नहीं करना है, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं अपने होम पेज पे स्लाइड डाउन करूं तो ये जो कंट्रोल सेंटर है ये ओपन होना चाहिए। तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो, आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में, मतलब कि मोर में, और यहाँ पे होगा स्वैप डाउन ऑन होम स्क्रीन, आपको इस पे टैप करके करना है नोटिफिकेशन ड्रॉअर, आपको इस पे सिलेक्शन करना है। इसके बाद अगर मैं अपने होम पेज पे करूंगा स्वैप डाउन तो आप देखोगे अब यहाँ पे ओपन होगा कंट्रोल सेंटर, अब जो ग्लोबल सर्च है ओपन नहीं होगा। कीबोर्ड में अगर आप गौर करोगे तो नीचे यहाँ पे बॉटम में होती है अनवांटेड स्पेस, जिसे आप
रिमूव भी कर सकते हो। इसके कारण जो कीबोर्ड होगा नीचे शिफ्ट हो जाएगा और आप ज्यादा कंटेंट देख पाओगे। तो इसे रिमूव करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, कीबोर्ड में, और यहाँ पे होगा कीबोर्ड लोकेशन। इस पर टैप करके आपको करना है स्टैंडर्ड पे सिलेक्शन। इसके बाद क्या होगा, अब आपके फोन में जो कीबोर्ड है बॉटम में यहाँ पे अनवांटेड स्पेस नहीं मिलेगी। तो जो स्पेस थी पहले वो रिमूव हो चुकी है और जो कीबोर्ड है अब नीचे शिफ्ट हो चुका है। मान लेते हैं आप कीबोर्ड का यूज कर रहे हो और ऐसे में अगर आपको बैक जाना हुआ तो अगर आप कीबोर्ड पे बैक करोगे तो बैक काम नहीं करेगा, आपको ऊपर में बैक करना पड़ेगा तभी जो बैक फीचर है वो काम करेगा। कीबोर्ड में बैक जेस्चर काम नहीं करता। तो अगर आप चाहते हो कीबोर्ड में भी बैक जेस्चर काम करे तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, कीबोर्ड में, और यहाँ पे होगा मिस टच प्रिवेंशन, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर मैं कीबोर्ड में बैक करूंगा तो आप देखोगे कीबोर्ड में भी अब बैक जेस्चर काम करेगा। आप इस फोन में डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन के फीचर को यूज कर सकते हो। तो इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, जेस्चर्स एंड मोशंस में, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में, और यहाँ पे होगा स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, आपको इसे ऑन करना है। और जो पहला ऑप्शन है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, आपको इसे ऑन करना है। इसके अलावा आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है मोर में, और यहाँ पे होगा डबल टैप टू लॉक, आपको इसे भी ऑन करना है। मान लेते हैं आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ है और ऐसे में अगर आपको जल्दी से टॉर्च या कैमरा को लॉन्च करना हुआ तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। आपको अपने फोन को अनलॉक नहीं करना पड़ेगा, इसके अलावा डिस्प्ले को भी ऑन नहीं करना पड़ेगा। आप बिना डिस्प्ले को ऑन किए अनलॉक किए टॉर्च और कैमरा को ओपन कर पाओगे। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, जेस्चर्स एंड मोशंस में, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में, और यहाँ पे होगा ड्रो एन ओ, इसे ऑन कीजिए, और ड्रो ए वी, इसे ऑन कीजिए। अब इससे क्या होगा, मान लेते हैं आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ है, अगर आपको ऐसे में तुरंत कैमरा को लॉन्च करना हुआ तो आपको और ड्रॉ करना है डिस्प्ले पे, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा। और मान लेते हैं आपको क्विकली टॉर्च को लॉन्च करना हुआ तो आपको वी को ड्रॉ करना है, आपके फोन में लॉन्च होगा टॉर्च इस तरीके से। अगर आपको टॉर्च को ऑफ करना है तो फिर से वी ड्रॉ कीजिए, इस तरीके से आप टॉर्च को ऑन या ऑफ कर पाओगे वी ड्रॉ करके। आपके फोन में इंटरनेट की स्पीड कितनी चल रही है, इसके अलावा आपने आज के दिन कितना डेटा यूज किया है, तो अगर आपको इसे इनेबल करना हुआ तो आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, स्टेटस बार में, और यहाँ पे होगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, आपको इसे ऑन करना है। फिर ऊपर में आपको यहाँ पे शो किया जाएगा इंटरनेट स्पीड। इसके अलावा बैक जाइए, मोबाइल नेटवर्क को ओपन कीजिए, डेटा यूसेज, डेटा यूसेज लिमिट, डेली डेटा यूसेज लिमिट को ऑन कीजिए, डेली लिमिट कितनी है, जैसे कि मान लीजिए 2 GB है तो आप सेट कीजिए 2 GB, आपको टिक पे टैप करना है। इसके बाद अगर आप स्वाइप डाउन करोगे कंट्रोल सेंटर में तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ के आइकन के ऊपर में शो किया जाएगा डेटा यूसेज कि आपने आज कितना डेटा यूज किया है और कितना बचा हुआ है, इस तरीके से आप देख पाओगे। टैप करके डिटेल में आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर ये डेटा यूसेज आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, मोर सेटिंग्स में, और यहाँ पे होगा डिस्प्ले डेटा यूसेज, आपको इसे ऑन करना है। इस फोन में आपको मिलता है एज लाइटिंग का फीचर, मतलब कि आपके फोन में अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको मिलेगा एज लाइटिंग इफेक्ट। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, वॉलपेपर स्टाइल में, और यहाँ पे होगा नीचे में एज लाइटिंग, इसे ओपन कीजिए, और यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 कलर, आपको जिस कलर को चूज करना है इस तरीके से आपको चूज करना है, और इस तरीके से आपको मिलेगा एज लाइटिंग इफेक्ट आपके फोन में। क्या आपको पता है इस फोन में आपको मिलता है हार्ट रेट को मेजर करने का ऑप्शन। इसके अलावा इस फोन में आपको मिलता है ड्यूल ऑडियो का फीचर। दोनों फीचर को इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, और यहाँ पे बॉटम में होगा रियलमी लैब, आपको इसे ओपन करना है। ये है ड्यूल मोड ऑडियो, मतलब कि अगर आप इसे ऑन करोगे तो आप अपने वायर्ड ईयरफोन्स और वायरलेस ईयरफोन दोनों को एक साथ कनेक्ट करके म्यूजिक को प्ले कर सकते हो। इसके अलावा ये है हार्ट रेट मेजरमेंट, तो इस पे टैप करके इसे ओपन कीजिए, और आपको अपने फिंगरप्रिंट सेंसर पे लॉन्ग टैप करना है, और 15 सेकंड के टाइमर के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा आपका हार्ट रेट मेजरमेंट। दोस्तों, तो ये थी वो टॉप 20 सेटिंग्स जो आपको चेंज करनी थी आपके रियलमी 11 प्रो प्लस 5G में। इसके बाद आप काफी बेहतर तरीके से अपने फोन को यूज कर पाओगे। दोस्तों, ये था इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।